स्वागत है आपका इस वीडियो में और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा हम हट के बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज था और उसमें न्यूजीलैंड जीत गई है और भारत उसमें हार गई है। देखिए, हम इसमें ये बात करने वाले हैं कि हम इस हार से, भारत की इस हार से या न्यूजीलैंड की इस जीत से हम क्या सीख सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि न्यूजीलैंड हैज बीन अ फैंटेस्टिक टीम ऑलवेज, हमेशा से अच्छी टीम रही है और हमेशा से वो अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। बट इसे किस्मत का खेल कह लो या आप कुछ भी कह लीजिए, बट उन्होंने आईसीसी इवेंट्स में कभी भी बहुत अच्छा, कभी भी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। आखिरी ट्रॉफी उन्होंने सन 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे उस टाइम आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी कहते थे, वो जीती थी। और 21 साल से उन्होंने कोई भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, वर्ल्ड कप में वो आज तक नहीं जीते। 2019 का वर्ल्ड कप आप सभी को याद होगा कि 2019 में वो फाइनल में थे, जीत के बहुत करीब थे और एक ओवर थ्रो से शायद उस गेम की बाजी पलट गई और आखिरी में जिस तरीके से रिजल्ट निकला वो भी काफी दुखद था। तो कहने का मतलब ये है कि वो इतने लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन आज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप वो आज यहाँ पर घोषित होते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि देखो, आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा पूरी तल्लीनता से, डेडिकेशन से, मन से, तन से लगे रहोगे तो आपको कभी ना कभी उसमें सफलता जरूर मिलेगी। कंसिस्टेंसी इज द की, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज द की। वो निराश भी हुए होंगे लेकिन निराश होके जो खड़ा हो गया वापस, वो असली खिलाड़ी है। भारत भी इसमें हारा है लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इससे बहुत निराश हो जाएंगे। हमें अपनी, उसके बाद हम अपनी कमियों पे नजर जरूर डालेंगे लेकिन उसके बाद भी हमें वापस से खड़ा होना पड़ेगा। तो इस जीत से, इस न्यूजीलैंड अपनी इस जीत से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, लेकिन अगर आप परमानेंटली किसी काम को करते रहोगे, लगे रहोगे, तो आपको उसमें एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। किस्मत कितनी ही आपकी खराब क्यों ना हो, किस्मत एक बार खराब हो सकती है, दो बार खराब हो सकती है, लेकिन अगर आप 1000 बार ट्राई करोगे तो 1000 बार खराब नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई में हमेशा लगे रहिए मन से। हो सकता है एक मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, दो मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप लगे रहोगे, कंसिस्टेंटली लगे रहोगे, तो आप एक दिन सफलता जरूर पाओगे। लेकिन अगर हार मान लोगे तो हार के जीतने वालों को कभी भी, हार जो हार मान लेते हैं उनकी बात भी हम नहीं करते हैं, जो जीतते हैं बात हमेशा उनकी होती है। इसलिए जीत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम हार रहे हैं, जैसे हम भारत आज हार गया, तो हमें अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को देखना है और उन गलतियों से सीखना है और वापस से हमें उठ के खड़े होना है कि हमें उतना ही अच्छा प्रदर्शन करना है जितना कि उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ हम केन विलियमसन से एक बात और अच्छी सीख सकते हैं कि देखिए कप्तान क्या होता है, कि कितना कूल और कितने शांत कप्तान है। उनका चेहरा देखिए, वो जीत गए हैं तो भी उनका चेहरा वैसा ही है और वो हार जाते हैं तो भी उनका चेहरा वैसा ही होता है, जस्ट लाइक कैप्टन कूल। तो इस हार से, इस न्यूजीलैंड की इस जीत से हम ये सीखते हैं कि हमें अपनी, अपने लक्ष्य की तरफ कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा लगे रहना है और अपनी, अपने आप को हार नहीं मानना है, हमेशा अपनी तरफ लगे रहना और अपने ऊपर भरोसा रखना है। क्योंकि अगर आप अपने मन से हार जाएंगे तो आपको कोई जितवा नहीं सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बहुत छोटा सा वीडियो था, बस एक छोटा सा मैसेज मुझे देना था। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।